हाँ बोलिए भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अरे बोलिए भाई भाई, बताइए। हाँ जी, मैंने वो ऐप डाउनलोड किया था, वो इंस्टाग्राम पे लिंक आया था जी, वो वेल्थ स्नैप का। और मतलब मैं एलिजिबिलिटी चेक कर रहा था, क्या है मतलब कैसा है उसका, लोन का कितना है क्या है, चेक कर ओपन किया तो डिटेल्स डालने को बोला, डिटेल्स डाला, फिर परमिशन भी दिया था। फिर अचानक से आपका प्रोसेस अंडर प्रोसेस पे लग गया, मतलब रिव्यू पे लग गया। मैं बोले भाई, मैंने ऑलरेडी मैंने अप्रूव भी नहीं किया, फिर भी ये प्रोसेस में कैसे जा रहा है, तो फिर मैंने एप्लीकेशन डिलीट कर दी। फिर उसका वो एपीके फाइल था वो भी डिलीट कर दिया मैंने। फिर 2-3 घंटे बाद अकाउंट पे पैसे आ गए, 2,500 रुपये आ गए। तो अभी उसका डेट मैंने देखा था 5 अक्टूबर बोल के आने वाला था, तो बाद में मुझे पता चला भाई ये क्या है, ये कैसे आ गया, बोल के यूट्यूब से देखा मैंने कोई वीडियो, तो वो देख के आपको मैसेज किया। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, और वो ऐप भी नहीं मिल रहा है मुझे, वो कहाँ गया है वेल स्नैप बोल के। हाँ तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, वेल्थ स्नैप फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है? जी, हाँ, तो रिपेमेंट नहीं किया है ना उसका? नहीं, मैंने पेमेंट नहीं किया, पर उसके पैसे आ गए मेरे अकाउंट पे, 2,500 रुपये आ हाँ, गए। तो वो पैसा आप रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है कि देखिए, मोबाइल का डाटा वाटा हैक कर लेता है सब, समझ गए? फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो वही चीज़ है हाँ कि हम लोग नहीं, डेटा, मैंने हाँ फिर उसके वो नहीं, डिलीट करने के तुरंत बाद ही मैंने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट सभी डिलीट कर दिए थे, गूगल में से भी डिलीट कर दिया मैंने, तो फिर भी उसके पास रहेगी क्या हाँ, कॉन्टैक्ट उनके लिस्ट? पास चले जाती है। देखिए पैसा वो तभी देता है जब आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेता है, तब, समझ गए ना? वो अच्छा, पैसा उसी तभी देगा कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लिया है, तभी आपको पैसा दे रहा है, समझ गए? ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास नहीं जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसा वो नहीं देगा, समझ गए ना? तो वही है कि हम लोग डेटा वोटा का, जो आप देखे होंगे पूरा कंप्लीट वीडियो, तो वो चीज़ हम लोग कराते हैं, समझ गए? वो चीज़ अच्छा, होने के बाद कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं रहती है भाई। उसके बाद कोई कॉल में से नहीं आती है। क्या करना है जी? उसके लिए मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ठीक है? हाँ जी, हाँ, बाकी तो आपको पता होगा कि चार्जे होगा जो भी है रिमूव करने का, यह सब सारा चीज़। अच्छा, नहीं मतलब कॉल वॉल तो कुछ नहीं आएगा नहीं ना? ना, उसके बाद कोई नहीं आएगा आप पर, कोई कॉल में से नहीं आएगा, नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम होगा, समझ गए हैं? वो चीज़ होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका भी कुछ चार्जेस है क्या? हाँ, उसका भी चार्ज है, देखिए मेंशन हम कर दिया आप पर। इतना यहाँ पर लगती है, क्या क्या डिटेल चाहिए वो सब सारा चीज़ रहती है भाई, समझ गए ना? हाँ, एक मिनट जी, आपने व्हाट्सएप पे भेजा है क्या डिटेल? हाँ, वो आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, क्या क्या डिटेल लगेगा, कितना क्या लगेगा, सब चीज़ हम आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं। ठीक है ना? ठीक है जी, हाँ बोलता ठीक हूँ मैं आपको। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, यदि आप कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस गए हैं, यदि आप लोग रिमूव ये सब सारा चीज़ कराना चाहते हैं, तो आप मेरे से करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेरे से कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी लोग हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखा कीजिए। यदि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा, देखना है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। कोई भी आप फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हैं भाई, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हैं, यदि आपको दिक्कत और तकलीफ़ हो रही है, तो हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं भाई। तो चलिए, यहाँ पर कॉल लगाते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, ठीक है? वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है ना? यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल भी मत देखिए। सपोर्ट आप लोग बनाइए भाई, जितना भी लोग हैं सपोर्ट बनाइए, 100% आपको भी सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा, समझ गया ना? चलिए भाई, यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। और फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो जो लोग हैं भाई फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करना कर रहे हैं, तो आप सभी लोग से यही बोलना चाहता हूँ कि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। जितना भी लोग हैं भाई, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना है।
हेलो, हाँ भाई बोलिए, बताइए, आपका हो गया है काम? ठीक है, हो गया था तो हाँ, आपका हो ऑनलाइन गया। जाएगा पापा? पापा क्या चीज़? को ऑनलाइन जाएगा? ना ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए हैं। कितना दिन से आपका ड्यू चल रहा था? अभी तो मात्र 12-13 दिन हुआ है। अच्छा, 12-13 दिन हुआ है। हाँ, वो कॉल कर दिया पापा को। अच्छा, घर और का वो लोग बोल रहा था कि घर आएंगे, ये सब आएंगे, जो भी धमकी उमकी तो दे ही रहा होगा आपको। घर वर कुछ नहीं बोला, बोला डायरेक्ट कॉल करते फादर को अपना, और कॉल भी कर दिया। अच्छा, लेकिन बोल रहा होगा ना कि लीगल एक्शन ले लेंगे, ये सब सारा चीज़ जो भी है, धमकी उमकी तो दे ही रहा होगा आपको। अभी वो सब नहीं दे रहा था, अभी स्टार्ट हुआ ना लोन, मेरा पहले क्लियर चल रहा था। कितने साल से चला रहे अभी हैं? 6-7-8 महीना था, सब क्लियर हो गया था, इसी हाँ, बार डिफॉल्ट हो गया। अच्छा, मतलब जो यही वाला था यही डिफॉल्ट हो गया। हाँ, ट्यूशन ट्यूशन व्यूशन हम पढ़ाते हैं, वही छूट गया तो नहीं दे पाया उसको, तो वो और कॉल भी कर दिया फादर को मेरा। अच्छा, कॉल कर क्या बोल रहा है? कॉल पे बोल रहा है आपका बेटा लोन लिया हुआ है, इतना कम आधार पेमेंट कार्ड कराइएगा। व्हाट्सएप पर भी भेज रहा था क्या, डिटेल उटेल? हाँ, व्हाट्सएप पे भी भेज रहा था। कि डिटेल उटेल, वही लोन आईडी, सारा चीज़ जो भी है, लोन एग्रीमेंट ना, हाँ, सब चीज भेज रहा हूँ पापा को। कितना कितना लोन लिए हैं, सब डिटेल। हाँ सर, क्या होगा उसके आगे, अब क्या करना हो होगा? गया अब आपका काम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है वो कॉल नहीं करेगा ना? ना? ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसके पास तो नंबर होगा ही ना सर, फादर का मेरा। ना। ना, नंबर देखिए, वो कंपनी के तरफ से कॉल करता है ना, अभी रिकवरी एजेंट थोड़ी ना है वो। मेरा नंबर नहीं होगा ना? ना ना, रिकवरी एजेंट नहीं है, समझ गया ना, वो कंपनी के तरफ से कॉल मतलब कि कर रहा हो, समझ गया ना। हाँ, कंपनी की तरफ से ही कर रहा था, हाँ मतलब उसका हाँ नाम आ हाँ रहा था। रिकवरी एजेंट तो अभी इतना जल्दी मतलब कि ये नहीं करते हैं, इतना जल्दी तो विजिट नहीं करेंगे कंपनी के तरफ से। वही मतलब कि कॉल मैसेज जो भी है, धमकी उमकी सारा चीज़ देना कर रहा है, समझ गया ना। हाँ सर, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं? और भी कोई एप्लीकेशन से आपका होगा ना? हाँ, एम पॉकेट का भी है, उसका ड्यू नहीं हुआ अभी। अच्छा, रुपी रेडी से भी है? हाँ, वो सबका भेज देंगे आपको, आप डिलीट कर दीजिएगा, रुपया भेज देंगे। ठीक है, भेज दीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। हाँ सर, भेज देंगे, बता देंगे, अभी रुपया का जुगाड़ कर रहे हैं, वो बता देंगे। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है सर, आप नहीं आएगा? थैंक यू ना सर। ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब वो सबका होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है, आपका काम हो हाँ, भेज जाएगा। दूंगी, इसका अभी इसी का था ड्यू, अभी वो सबका टाइम है, अभी अच्छा, वो सब कब का है टाइम? लोग का 1 महीना, 1 महीना है अभी, 1 मंथ एटलीस्ट। मतलब वही नवंबर तक टाइम है, नवंबर दिसंबर तक। अच्छा ठीक है, बताइएगा नवंबर दिसंबर में, ठीक है। हाँ, उसका भेज देंगे, इसका बस डिलीट करा दीजिएगा। हाँ, इसका हो गया है, समझ गया ना, हो गया है। बाकी और कोई दिक्कत आएगा तो मेरे पास कॉल कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, ठीक है, ठीक कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। है सर, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक। चलिए दोस्तों, वीडियो का आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। यदि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा आपको कंप्लीट देखना वीडियो। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना भी लोग है भाई, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, बता देना चाहता हूँ। देखना है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, जितना भी लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश होगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा कोई भी वीडियो जो भी हम डाल रहे हैं, आप कंप्लीट तक देखा कीजिए, समझ गया ना, कोई भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो कंप्लीट तक देखा कीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखा कीजिए। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, वहीं एक पूरा कंप्लीट तक वीडियो देखिएगा तो आपको 100% जानकारी मिलेगी। और ये चीज़ होगा कि भाई नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो वही चीज़ है भाई कि नहीं रिपेमेंट, देखिए कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर दिया, इनके पापा के पास कॉल कर दिया, और जहाँ तक आपने सुना कि मतलब कि जो भी था, लोन एग्रीमेंट हो गया, लोन का आईडी हो गया,
और आधार कार्ड पैन कार्ड सारा मतलब कि इनके पापा पर भेज रहा था, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भेज रहा था, जबकि रिफरेंस में भी नंबर नहीं है, समझ गया ना। तो यही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि भाई एनबीएफसी हो या फ्रॉड एप्लीकेशन हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कि हैक करते हैं, समझ गया। ये लोग हैक करता है, उसके बाद उन पर कॉल करता है सब, कॉल कर कर धमकी देगा, डराएगा, धमकाएगा, ये सब सारा चीज़ मतलब कि करने का काम करता है। यदि आप लोग इससे आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इजीली आइए और जो भी बात विचार करना चाहते हैं हमसे आप लोग बात विचार कर सकते हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी जानकारी है सारा चीज़ जानकारी आपको हम साझा मैं कर दूंगा। तो मेरा कोई भी आप वीडियो देखे होंगे तो जो भी है भाई हम डायरेक्ट बोलते हैं, और जो भी है जो जो चीज़ लगेगा और क्या क्या चीज़ आपके साथ होगा सारा चीज़ मैं बताने का काम करता हूँ कि भाई नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपके साथ ये हो जाएगा, उस एप्लीकेशन का नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपके साथ वो हो जाएगा। तो सब चीज़ मैं बताने का कष्ट करता हूँ, सब चीज़ मैं बताता हूँ और आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखते होंगे तो आपको भी सब चीज़ पता चलता होगा कि नहीं रिपेमेंट करूँगा तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है और फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम मतलब कि मैं झेल सकता हूँ। तो पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखिए और चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना भी लोग हैं भाई चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट आप लोग वॉच कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों। हाँ भाई बोलिए, बताइए आवाज़ आ रही है आपको? हाँ 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 बोलिए भाई, बताइए। मेरी पहली बात है ना आपसे। हाँ 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 बोलिए बताइए, बात हुई थी। सुन हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, आवाज़ आपकी कट रही है भाई। हेलो, चलिए दोस्तों दोबारा ट्राई करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। यदि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ भी नहीं आएगा। यदि आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करते हैं तो आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट करेगा, तो आपको फ्रॉड एप्लीकेशन का बिल्कुल भी रिपेमेंट नहीं करना है। आप लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन का रिपेमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन का नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल आपका डाउन होगा, बता देना चाहता हूँ, सिविल रिपोर्ट आपका ख़राब हो जाएगा भाई। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। आधा दूर वीडियो मत देखिएगा मेरा, कोई भी वीडियो देखिए पूरा कंप्लीट तक वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ गए हैं, जितना भी लोग हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भाई बोलिए, कॉल करने के लिए हम बोले थे, बोलिए भाई। हाँ जी बोलिए भाई। नहीं भाई, मैं आपको जो पूछ रहा था कि वो कोई आप एप्लीकेशन सजेस्ट कर सकते हो तो। एप्लीकेशन आपको वही एनबीएफसी एप्लीकेशन ना? हाँ मतलब कोई भी जो शॉर्ट टर्म लोन मतलब ऐसा जो कि ना कोई इनकम प्रूफ है, ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल लोन जो होता है ना। 27 आपका कितना है आधार कार्ड से? अच्छा मिल जाएगा। और सिविल रिपोर्ट पहले आप कभी लोन लिए हैं कि नहीं लिए हैं पहले कभी? फ्लेक्सी लोन लिया है, ये जो पे लेटर और ये सब का छोटा मोटा जो होता है वो सब। हाँ तो उसको चुका दिए हैं आप? हाँ हाँ सब क्लियर है। तो मिल जाएगा आसानी से, जब आप क्लियर कर दिए हैं, एक भी ड्यू नहीं है भाई, सिविल रिपोर्ट आपका ठीक है तो मिल जाएगा लोन। आप कोई भी एप्लीकेशन में ट्राई कीजिए, नबी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, एम पॉकेट हो गया, एनबीएफसी ना चाहिए आपको? हाँ तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ट्राई कीजिए आप। अच्छा ये एम पॉकेट सर। हाँ ये सब जेन्यून एप्लीकेशन है भाई, बाकी पिछले तरह नहीं है, फ्रॉड नहीं है ये सब। अच्छा नावी एम पॉकेट और आप कौन सा बोले? ओ ट्रू बैलेंस मनी व्यू, ट्रू। बैलेंस मनी व्यू। ठीक हाँ, है तो ट्राई कर लेता हूँ ठीक एक है। बार। पहले वाला का कोई दिक्कत अभी चल रहा है जो नहीं, वो तो पड़ गया, वो तो सब खत्म हो गया, रिमूव हमसे करवाए थे, सब चीज़ हो गया ना? सब सही हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, ट्राई कीजिए आप। ओके ठीक, देखा हमसे डाटा रिमूव कराए थे तो इनका सब निपट गया। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। बोलिए भाई, बताइए आप। मैंने बताया
बताया था आपको उस टाइम में कि मेरा वो वाला लोन जो था ना, तो चलना था, तो इसके मेरे लगभग 10,000 ट्रांसफर किए थे मैंने, इसमें से लगभग 4,000 ट्रांसफर कर दिए थे। तो अभी क्या है कि मुझे इस मंथ से जो है मतलब पिछले मंथ से जो है नोटिस का नोटिस आ रहा है मोबाइल पे, अगर आपने मतलब लोन लोन किया तो कौन सा ये कौन सा एप्लीकेशन है? ये फ्लिपकार्ट वाले ने आपको बताया था ना? अच्छा, फ्लिपकार्ट पे लेटर। कितना का आपका लोन है सर? ये मेरा पहले का जो 7 महीने से कर दिया था। अच्छा, ये मेरा कुछ जो है मतलब एक दो कुछ जो है हमारे लोन में बचा था। हाँ हाँ, अच्छा, मेरा बैंक रिकॉर्ड पहले बहुत बढ़िया था, मैं ऑन टाइम कर देता था। कल मैंने नाइट में किया और उसके बाद इसमें लिंक पर लिंक आ रहे हैं कि मतलब आपका जो 1600 है वो 800 हो जाएगा, 2300 है जो 1000 करके आप अभी पे कर दीजिए, लेकिन जहाँ मैं लिंक पर दबाता हूँ फिर सेम अमाउंट आ जाता है। और मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भेजा था, आपने पढ़ा हो उसमें क्या बता रहा है इसमें। कितने महीना हो गया मतलब कि? ये लगभग 240 डेज हो गया। अच्छा, वही समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। उधर से बोल रहा है कि मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको जो मतलब ना भाई, कोर्ट कचहरी कहाँ से होता है? मेरा कोई भी आप वीडियो देखिएगा तो हम तो अभी से लेके देखिए इतना दिन से हम वीडियो बना रहे हैं, समझ गए हैं? पहले भी आपसे बात हुआ था, मतलब कि 2-3 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, तो मेरा आज तक कोई वीडियो में चाहे अभी बात विचार कीजिएगा तो आज तक हम किसी से ये नहीं बोले हैं कि भाई कोर्ट कचहरी होता है, समझ गए? NBFC में होगा, देखिए सिक्योर आपका लोन रहेगा ना, मान लीजिए होम लोन ले लिए हैं, गोल्ड लोन ले लिए हैं, एजुकेशन, ये सब लोन बड़ा बड़ा लोन लिए उसमें नहीं चुकाइएगा तो ये समय दिक्कत होता है ना, ये समय कहाँ दिक्कत होगा, ये समय थोड़ा ना दिक्कत होगा। भेजिए, ठीक है भेजिए, हम देख लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, अच्छा इसे डियर गौतम ना, तो ये तो भाई आप पर तो करेगा ही करे, IDFC बैंक से मतलब कि ये मर्ज है, पे लेटर जो है ना IDFC बैंक से है, समझ गए? लोन यही दे रहा है, पार्टनरशिप पे है ना, लोन यही दे रहा है, समझ गए? IDFC यही पैसा दे रहा है पे लेटर। ना ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो भाई लिखेगा ही लिखेगा। नहीं आप देखिए, आप कोई भी बैंक का किसी का भी आप पैसा आप ले लीजिएगा, नहीं आप चुकाइएगा तो वो तो भाई आपको डराएगा, धमकाएगा, डराएगा ही भाई कि नहीं दीजिएगा तो लीगल एक्शन ले लेंगे, आपको जेल करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो रियलिटी में थोड़ी ना ऐसा होता है, रियलिटी में नहीं होता ऐसा कुछ, समझ गए? हाँ वो नहीं, आप देखिए नहीं आप पेमेंट कीजिएगा तो उसमें आप ही को दिक्कत होगा, सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा तो आप ही को दिक्कत ना होगा, कॉल करेगा सब बार बार, कॉल करेगा बार बार, कभी भी कॉल कर देगा सब, समझ गए? तो ये रहता है, बाकी लीगल का जो, हाँ एक चीज है कि मैंने इसका कॉल जो है आज तक कभी नहीं उठाया, मैं जब से हुआ है तब से मैं इसका अभी तक एक कॉल रिसीव नहीं किया हूँ, मैं अनोन नंबर उठाता ही नहीं, मुझे हर समय लगता रहता है कि यही होगा,
अननोन नंबर जो है एक बार फिर इस सब का जो है नहीं उठाता हूँ। वही है कि मैं इसका अभी प्रोसेस में लगा पड़ा हूँ, मैं तो कर दूंगा, बस वही है कि बार बार जो है बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा जो है प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं दिसंबर तक इसको क्लियर कर देता था। तो मैं वही पूछ रहा था आपसे कि मतलब ये ऐसा कोई चीज तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, एक में आया था कि सेक्शन 25 लगेगा, तो इसमें लिखा रहा था। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, आपको बता देना चाहता हूँ। यही मेरे को डर लग रहा है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरा तो पूरा लाइफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ना ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मुझे आपसे बात करना, उस टाइम भी हम आप कॉल किए थे लेकिन लाइब्रेरी में, और मैं जितना मैं फिर कॉल किया, फिर आप भी सर बिजी हो गए तो आप भी नहीं उठा पाए, ना, तो ऐसा कोई इसीलिए दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। कोई लीगल एक्शन, कोई आप पर कानूनी कार्रवाई, ये धारा वो धारा, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है भाई, समझ गया ना। इतना सारा लोन का कैसे लगेगा, NBFC अनसिक्योर लोन है, आप मतलब कि सिक्योरिटी क्या दिया है, आप उसको क्या सिक्योरिटी दिए हैं कि नहीं चुकाएंगे तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ। सिविल आपका देखिए, जो भी होगा ना, आपका सिविल के साथ खिलवाड़ होगा, आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब करेगा सब। आप एक चीज ये देखिए ना, ये मैं भेजा हूँ आपको एक बार, लास्ट देखिए, लास्ट एक बार देख लेते हैं, लोन एग्रीमेंट एज पार्ट बैंक प्रोसेस, लीगल फॉर्म वर्क, लीगल नोटिस इशू कस्टमर। लीगल नोटिस नहीं होता है, लीगल का मतलब यही है ना कि आपके वही सिविल रिपोर्ट पर मतलब कि हानि करेगा सर, समझ गए। हाँ, सिविल रिपोर्ट पर आपका हानि करेगा सब, ये सब सारा चीज़ करेगा, सिविल रिपोर्ट पर सारा ये सब मेंशन कर देगा सब, समझ गया ना। हाँ, सिविल रिपोर्ट पे ये सब सारा चीज़ मेंशन कर देगा, लीगल होगा, ऐसा कुछ होता होता नहीं है भाई। मैं इसको मतलब पूरा कर दूंगा तब ठीक नहीं होगा? पूरा कर दीजिएगा तो ठीक हो ही जाएगा, वो कहाँ दे बोल रहा है, पूरा आप दे दीजिएगा, किसी का आप लोन लिए हैं उसका पूरा आप चुका दीजिएगा, वो तो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। ड्यूज के अच्छा, साथ सेटलमेंट लेकिन देना होगा, वगैरह सेटलमेंट नहीं, ड्यूज के साथ आपको देना होगा लेकिन पैसा। नहीं, मैं वो दे रहा हूँ, मैं पूरा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें लिख रहा है ना कि मतलब सेकंड सेटलमेंट, लेकिन जहाँ मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ ना तो वो पूरा जितना पेमेंट टोटल आ जाता, हाफ पेमेंट नहीं आता। ये सब मतलब मेरे को ये लग रहा था कि इस लिंक पे दबाऊंगा तो मोबाइल हैक हो जाएगा या ऐसा कुछ। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, कोई मोबाइल वोबाइल हैक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने बताया था ना कि ये मतलब आपका मेल रखे रहते हैं पूरा, इसमें जितना आपका नंबर होगा सब उनके पास चला जाता है, वो फिर वो कॉल करके परेशान करते हैं, तो मैं उसका आज तक मैं किसी लिंक पर दबाया नहीं। फर्स्ट टाइम मेरा इस पर दबा दिया रात में, तो मुझे टेंशन ज्यादा होने लग गया। ना ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, लीगल कुछ नहीं होता है भाई, वो तो हमसे आज भी बात कीजिएगा, 1 साल बाद भी बात कीजिएगा, तो हम तो यही बोलेंगे भाई, अनसिक्योर अनसिक्योर और सिक्योर में अंतर क्या होता है, आप देख लीजिएगा किसी का वीडियो, मेरा छोड़कर चाहे आप किसी का वीडियो, दोनों में अंतर देख लीजिएगा, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में क्या अंतर होता है, तो खुद आपको बताएगा कि अनसिक्योर और सिक्योर में क्या अंतर होता है। क्योंकि है क्या कि मैं काम कर रहा होता कहीं पे तो मैं पेमेंट कर देता, है क्या कि मैं घर में भी नहीं बता सकता, दोस्तों के चक्कर में पड़ के फंस गया सही था। बात है, लेकिन अनसिक्योर और सिक्योर में अंतर होता है भाई, अनसिक्योर का मतलब कि अनसिक्योर है, सिक्योर का मतलब सिक्योरिटी है उसमें, समझ गए हैं। सिक्योर ये है कि भाई उसको अपना चीज़ कोई गिरवी रखे हैं, पैसा रखे हैं, चाहे गोल्ड रखे हैं, चाहे घर के कागज रखे हैं, चाहे बिजली, जो भी है आपके जो गिरवी रखे हैं उसको सिक्योरिटी है, आप उसको सिक्योरिटी दिए हैं कि भाई हम चुका देंगे, नहीं चुकाएंगे तो मेरा घर हड़प लेना, सोना ले लेना, मेरा पैसा ले लेना, समझ गए, ये चीज़ है। मैं इसमें एक चीज बता रहा था कि सेक्शन 25 जो है ये कह रहा था कि आप पे जो है चेक बाउंस काफी लगा देंगे, चेक बाउंस कैसे लगाएगा भाई, ऐसा आपका क्या क्या मतलब, आपका ऑटो डेबिट है, पे लेटर ऑटो डेबिट थोड़े ना होता है, ये कर सकता है क्या ऐसा कैसे कर बंदा? सकता है भाई, कैसे हो सकता है, वैसे नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कम अमाउंट के लिए कैसे चेक बाउंस होगा, कैसे होगा पहले जब ऑटो डेबिट नहीं है तो। हाँ, मैं यही चीज कह रहा था कि इसमें आ रहा था कि आपके जो है ऐसा ऐसा कर देंगे। ना ना भाई, वो भेजने का बहुत कुछ भेजता है ऐसा, समझ गए, ये हो जाएगा, कुछ ऐसा वैसा होता नहीं है, समझ गए। आप देखिए, मेरा ही मैं क्या नहीं बोल है, रहा
अब मेरा ही देख लीजिए ना, मेरा ही नहीं इतना देर से लोन चल रहा है, पहले भी 2023 से मेरा चल रहा है। हम तो भाई वीडियो में बोले हैं, आपसे बात किया तो आपसे भी बोले हैं कि भाई मेरा भी बहुत सारे NBFC एप्लीकेशन से है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो मेरा आज तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक, वीडियो अभी तक बनाते हैं हम। आपको कितना साल हो गया? अच्छा, अभी तो 2 साल होने वाला है, 15 जनवरी 2023 को लिए थे, और तो 24 कितना समझिए कि मतलब हो दो गया दो इसमें? तीन ठीक महीना में है, आपको 24 खत्म हो जाएगा, तो हो गया कि नहीं? 2 साल हो जाएगा कितना अमाउंट था? मेरा, यही ज़्यादा नहीं था, 5-6 हज़ार का था, समझ गए? बढ़ का तो ज़्यादा हो गया चलिए होगा, चलिए ठीक है। एप्लीकेशन हाँ हम इंस्टॉल नहीं किए हैं। एक ही हाँ एप्लीकेशन से नहीं नहीं है ठीक ना, है। एम पॉकेट रिंग से, किस से, ब्रांच से, ट्रू बैलेंस से, मनी व्यू से, रिंग से, और सबसे है, समझ गए? एक चीज है क्या कि मैं क्या किया हूँ, ये धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, ये इसका जो ऐप है, तो मैं मेरे पास जो मैसेज आया ना IDFC का, तो एक्चुअली मैंने उसका जो मेरा लोन नंबर था, वो लोन नंबर मैंने अपना उसमें लिख लिया, मैंने फोन पे से लिंक कर दिया, तो मैं पेमेंट करता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से पेमेंट नहीं करता, क्योंकि है क्या कि मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ इधर, तो ये धीरे धीरे देख रहा हूँ बढ़ाता ही जाता है। अब बीच में कम कर दिया था, जितना था उतना ही, जितना मतलब मेरा एक्यूरेट बन रहा था उतना ही ले रहा था, लेकिन बीच में इसने फिर बढ़ा दिया, और अब कल मैंने जो IDFC पे पेमेंट किया है वो इसने अपडेट नहीं किया, तो ये बताइए, मैं जो इसको इधर क्लियर कर दूंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? ना ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर कर दीजिएगा तो कहाँ से प्रॉब्लम होगा? नहीं मतलब मैं फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू, नहीं अगर मैं IDFC को इधर से क्लियर कर दूँ तो उधर से नहीं ना कोई प्रॉब्लम होगा फिर बाद ना में, ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये तो है कि अपडेट करता नहीं है, अपडेट नहीं करेगा तो ये थोड़ी ना मैं उसको बार बार उतना पेमेंट थोड़ी ना करूँगा, सही बात है, सही बात है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत मतलब किया हूँ, किसी को बोला हूँ तो बोला कि नेक्स्ट मंथ में जो है 10-12 तारीख तक मेरा मतलब दो मैं खत्म कर दूंगा तो मेरा फिर एक बच जाएगा लगभग 27-28 सौ के आसपास में, वो फिर मैं जो है सोच रहा हूँ दिसंबर में मेरा एग्जाम एग्जाम है, तो जैसे तैसे मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, बस मेरे को वही चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन इसमें बार बार आता रहता ना कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वो चीज़ और टेंशन होने लग जाता है, ना ना, कुछ ऐसा लेकिन वैसा जो नहीं मैंने होता है हाँ भाई, इनका काम ही है डराना, समझ गए? इनका काम ही है डराना, आपको डराएंगे, इसी पर तो इनका ये चलता है, समझ गए ना? कोई भी हो, कोई भी हो, इनका काम ही है डराना भाई, डराएंगे, ये करेंगे। अब नहीं डराएंगे, मान लीजिए आप ही का कोई पैसा लिया रहेगा, आप ही का दोस्त कोई पैसा लिया रहेगा, वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप डराएंगे ना भाई, नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। सेम ये लोग भी अपनाते हैं भाई, हाँ इनका पैसा है भाई, ये नहीं ऐसे करेंगे तो लोग नहीं चुकाएंगे, जाहिर से बात है भाई। अब मान लीजिए कोई भी लोन है, मान लीजिए सख्ती के साथ नहीं पेश आएगा तो कोई चुकाएगा? कोई नहीं चुकाएगा, नहीं, कोई नहीं करेगा, तब वो हम हो चाहे आप, भाई जो सच्चाई है वही हम बोल रहे हैं, समझ गया नहीं ना? सही बात है, सही चीज है, कोई कोई भी नहीं नहीं चुकाएगा करेगा। भाई, ऐसा जमाना ही हो गया। अब देखिए आज के टाइम में कितना लोग लोन ले रहे हैं, जितना है लोन सब मोबाइल पर खरीद रहे हैं, सब आईफोन देख ही रहे हैं, है कि नहीं है? तब हाँ जी, हाँ जी, और जब चुकाने का बारी आ रहा है तो कोई नहीं चुका रहा है, लोन लेने से पहले देखना चाहिए ना कि हम चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे, है कि नहीं? वो चीज़ हाँ कोई को देखिए, दो तरीके के आदमी लोन लेता है, पहले ये नहीं देखता है कि भाई हम चुकाएं पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, वो ले लेता है, उनको उतना लिमिट मिलता है। एक होते हैं कि भाई वो पूरा बुरी कंडीशन में फंस गए हैं, अब उनके पास सोल्यूशन क्या बचा है, तो इसलिए लोन लेते हैं, तो उनका तो भाई चलो ठीक है भाई, तो ये हो रहा है ना, तो वो तो भाई करेंगे परेशान तो करेंगे भाई, उनका काम ही है भाई, वो तो करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई कोई पैसा देगा नहीं। मैं क्या बताऊँ, खुद दोस्तों तो वही है, देख के चलते देखिए जो रियलिटी है सो आपको हम बता रहे हैं, समझ गया ना? वो तो भाई करेगा ही, अब मेरा काम है सच्चाई करके तो बताना। परेशान हो गया। अच्छा एक चीज बताइए कि इसमें इसमें मतलब ये मैसेज भी आता है, मतलब इनबॉक्स में ही मैसेज आता है कि जो सिंपल मैसेज जो आता है जैसे बैंक ऑफिस से पैसा कटने का कुछ भी, तो ये ऐसे भी आता है क्या? क्योंकि मेरे को वैसे भी आ रहा है और व्हाट्सएप भी भेज रहा है, दोनों पे भेज रहा कैसा मैसेज आ रहा है ऐसे? है। ऐसे कैसे मैसेज आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? वही मतलब जो इस पे दिखा रहा है ना सेटलमेंट, ये सेम चीज यहीं पे आ रहा है, मेरे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, को कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं होगा, मैसेज में भी आ रहा है, ऊपर से व्हाट्सएप में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो ना क्या? ना, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। ये चीज तो मैं 100% इसको क्लियर कर दूंगा दिसंबर में, बस ये मतलब ऐसा कुछ एक्शन नहीं है। हाँ अब क्लियर कर दीजिएगा फिर आप ही को भला होगा, आप ही को मतलब कि अच्छा होगा, नहीं क्लियर कीजिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। मान लीजिए बाद में आपको लोन का जरूरत पड़ गया, इन केस अब आने वाला टाइम तो कोई जान नहीं रहा है ना,
मान लीजिए अभी सही बोल बात है, दीजिए, तो अभी रहता है। अब मान लीजिए अभी आप बोल दीजिएगा कि भाई हम फ्यूचर में लोन लेंगे ही नहीं, कोई भी बोलता है आज के बाद तो फंसे हैं मेरा तो हम भी नहीं कोई लोन नहीं लेंगे, बोलता। लेकिन आप कल का बात जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना कल कैसा है, कल नहीं मतलब नहीं वैसा कंडीशन हो ही गया, कुछ पैसा कम ही पड़ गया आपको, लोन ऐसा दिया जा रहा है कि भाई कम कमीशन मतलब कम इंटरेस्ट लगे, तो जब आपका सिविल ही नहीं बचेगा, सिविल ही रिपोर्ट ख़राब हो जाएगा, तो आपको लोन मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा, तो बात वही चीज़ है। है। अब वही है कि पूरे तरीके से आप क्लियर कर दीजिएगा तो कहीं से भी अप्लाई कीजिएगा, आपको लोन मिल जाएगा कोई भी बैंक से। तुम्हारे में टाइम ले सकता हूँ तो थोड़ा, मतलब इंटरव्यू मेरा ले सकता हूँ तो करने का हाँ हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका सिविल ठीक हो जाएगा ड्यूज के साथ, लेकिन वही है कि पेमेंट आपको करना होगा, वही सोचिएगा कि ड्यूज भाई नहीं देंगे और सिविल हमारा सुधर जाएगा तो नहीं हाँ, मतलब सुधरेगा। वही जो जो टोटल है उसका अमाउंट मैं टोटल कर हाँ दूंगा, हाँ क्योंकि टोटल आपको कर देना है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे ही मेरे को दिखा रहा है कि मतलब ये आप सेटल कर लीजिए, लेकिन मैं जहाँ लिंक पे दबाता हूँ ऑटोमेटिकली क्रोम पे कुछ खुलता है, क्रोम पे खुल करके दूसरा साइट खोल करके डायरेक्ट पेमेंट साइट पे खुल रहा है आपका। अब पेमेंट साइट पे जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरा अमाउंट दिखाता है जितना है, उसमें ही जो आज 800 दिखाता है, 1600 का 800, तो वहाँ 800 शो नहीं करता, डायरेक्ट पूरा शो करता है। सच में कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा, ना मतलब ना ये कोई जितना दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, आप चुका सकते हैं आराम से, कोई पास दिक्कत नहीं होगा आपको। लीगल वाला, लीगल नहीं होता है भाई, आपको तो हम बोलिए दे, लीगल नहीं होता है। बस एक उसी चीज से डर लगा, तो मेरा भी एग्जाम एग्जाम है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरा करियर खराब हो ना ना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए ना, लीगल उगल नहीं होता है भाई, बस यही डर है और कोई बात नहीं। ना ना कोई डरने वाली बात नहीं, लीगल होता ही नहीं है। मैं इसी टेंशन से आपको कितना दिन कॉल किया हूँ, काफी बिजी रहते हैं, तो अब मुझे अभी भी लग रहा था कि आपसे बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। नहीं बात देखिए, अब क्या है ना कि पहले जैसा अब इंस्टाग्राम पर उतना बात विचार नहीं करते हैं, समझ गए हैं, अब जो भी लोग मिल जाता है भाई, लगता है कि भाई वो फंसे हुए हैं तो बात हम कर लेते हैं, पहले क्या था कि उन बीच में बहुत ज्यादा परेशान था, उस दिन भी आप कॉल किए, मैं उसके बाद कॉल किया, अभी रिसीव नहीं किया उसने, फिर एक दिन और मैं कॉल किया, और फिर आज आज जैसे डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे को अभी भी लग रहा था कि बात हो पाएगा। आप सब समझाए, थैंक यू उसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बताए इस बारे में। ना कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे कर देता हूँ उसको, तो अगर वैसा कुछ नहीं हुआ हाँ आप धीरे धीरे इसका पेमेंट कर दीजिए, धीरे धीरे जो भी है पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल आपका सुधार देगा सब, समझ गए हैं, सिविल तो आपका डाउन कर ही दिया होगा सब, हमको पता है। मेरा अभी 635 कर दिया है, हाँ तो सिविल तो डाउन 635 करेगा हो ही, गया, लेकिन बिल्कुल सिविल तो डाउन करेगा ही भाई। ये है कि मैं अगर टोटल क्लियर कर भी दूँ इसको, तो ये मेरा लास्ट से लास्ट 690 तक करेगा। वो तो है, सिविल मैं तो इस पर सिविल रिपोर्ट देखिए, सिविल रिपोर्ट से हट जाएगा ना, ये जो लोन चढ़ा हुआ है सिविल रिपोर्ट से यदि हट जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगा, कहीं से आप लोन उठाइएगा आप जमा कर दीजिएगा तो आपका सिविल बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब ये होने के बाद में मैं कहीं भी हाँ अगर छोटा मोटा लेकर के थोड़ा सा हाँ छोटा क्लियर मोटा करता हूँ, लेकर लेकिन आप टाइम पेमेंट कर पे दिए, क्लियर करता रहूँगा ना मतलब। टाइम पर, हाँ टाइम पर, लेकिन टाइम से बाहर जाइएगा तो भाई दिक्कत तो करेगा ही। नहीं, तो वैसा ही कर दूंगा, इसको पहले देख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, ओके, यू। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना भी लोग हैं यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए भाई इतने, चलिए कॉल लगाते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है, जितना भी लोग है भाई फ्रॉड एप्लीकेशन का बिल्कुल भी रिपेमेंट नहीं करना, रिपेमेंट कीजिएगा तो ब्लैकमेल और हरासमेंट तो भाई करेगा ही करेगा, उनका काम ही है ब्लैकमेल और हरासमेंट करना, इसीलिए जितना भी लोग हैं भाई वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, बहुत सारे लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो कंप्लीट नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बता देना चाहता हूँ।
आधा अधूरा देखिएगा कोई भी वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखना है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है? पूरा कंप्लीट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर दीजिए। सभी क्लास में आपको कर दो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात विचार हो गया। यस, चलिए भाई कॉल लगाते हैं। कंप्लीट देखिए वीडियो को, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भाई बोलिए। हो जाएगा भाई आपका। तो लोन आईडी है आपके पास? है, लोन आईडी दे दीजिए और लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। एम पॉकेट का लोन आईडी रहता है, मतलब प्रोफाइल में जाइएगा तो लोन आईडी दिखाता है, प्रोफाइल आईडी। हाँ ठीक है, ठीक है। ये लोन लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट दो चीज़, ठीक है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर बोल दिए जो जो लगेगा। कंप्लीट देखिए वीडियो, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा देखिए कंप्लीट तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा। देखिएगा कोई भी वीडियो लंबा लंबा होता है भाई, समझ गया ना? बड़ा वीडियो होता है मेरा, बड़ा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है। चलिए कॉल लगाए हैं भाई, देखते हैं उठाते हैं नहीं उठाते हैं। कॉल तो जा रहा है। कंप्लीट देखिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना भी लोग है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा देखिए कंप्लीट तक। चलिए कॉल लगाए हैं, देखते हैं कॉल उठाते हैं नहीं उठाते हैं। आधा अधूरा बस वीडियो मत देखिएगा मेरा, कोई भी वीडियो देखिए लेकिन आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ मैं गैर जा रहा हूँ, तो मैंने आपको मैसेज भेजा था ना कल। हाँ, तो वैसा मैसेज आ रहा है उनकी साइड से, उनके डैडी वालों की साइड। अच्छा, नहीं तो बोला था ना वो तो कल ही भेजे थे आप स्क्रीनशॉट की, कल घर पर आ रहे। क्या घर पर आया आज? हाँ तो बोले नहीं थे कि घर पर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? आया तो वैसे वैसे अभी क्या, मेरा लोन तो 2022 का है। जो वो चली गई थी कोविड के बाद ना मेरी। काफी टाइम टू भी नहीं मिला था मुझे। जो मेरे बैंक से लोन चल रहे थे वो तो मैंने सब भर दिया, जैसे अब मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ तो वो तो मैंने सारा भर दिया था। लेकिन अभी कल जो वो मैं भेजा था उसमें वो लिखा था एजेंट का नाम और नंबर। वैसे तो पहले भी आए कि आएंगे, कल आएंगे, शाम को आ जाएंगे, 3 से 6 के बीच में ये सब। लेकिन हाँ मतलब घर पे तो कभी नहीं आए थे। ऐसा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? सिविल डाउन करता है, समझ गया ना? सिविल तो हाँ उन्होंने कर रखा है, मैं अभी धीरे धीरे वापस पे कर रहा हूँ अपना सारा। जैसे हाँ वापस आप पे कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उतना हद तक ठीक नहीं होगा। दोबारा आप लोन लेकर टाइम पर चुका दीजिएगा तो आपका सिविल सुधर जाएगा। उसके लिए तो मैंने एक वो बनवा रखा है, एफडी वाला क्रेडिट कार्ड, जैसे उसको यूज करता हूँ उसकी ईएमआई में भर देता हूँ, तो उससे थोड़ा ठीक चला, 700 कुछ हो गया अब तो। हाँ बस मेन तो ये था कि घर पे तो नहीं आएगा कोई ना। घर पर कहाँ से आएगा? क्योंकि अब जैसे मेरा लोन था 30,000 रुपए का था मेरा, ठीक है, 30-35 का, उन्होंने बढ़ा के 50-55 कर दिया है लगा के। तो भी भरू कितना? पूरा भर दे फिर सेटलमेंट करा लूं? पूरा भरिएगा तो ही ठीक होगा, सेटलमेंट कराइएगा तो सिविल पर शो कर देगा कि आपने सेटलमेंट करवाया है। तो फिर वो मतलब अगर मान लो जैसे अभी तो यार पूरे है भी नहीं। ये मैं सेटलमेंट भी इसलिए कर रहा था ताकि कोई घर भर पे ना आ जाए। उसमें सेटलमेंट अमाउंट दिखा रहा है 20,000 में सेटल कर देंगे, मेल वेल पे डालते हैं ना वो। तो मैं
रहा था वो सेटल करा लूं, लेकिन ना उसमें फिर ये है कि बाद में लोन मिले ना मिले फिर कभी। तो वो थोड़ा बता दे यार। ना लोन मिल जाएगा, जैसे मान लो अगर अभी सेटल करा लिया तो उसके 2-3 बाद अगर ये मान 2-3 साल बाद लेना हो तो कभी मिल सकता है, मिल जाएगा। मेन तो बस उसी का है, उस पे ना घर पे ना कोई। ना ना घर पर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ पर कॉल लगाते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। चलिए भाई कोई कॉल नहीं उठा रहा है। कंप्लीट देखिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लंबा हो गया भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग।